बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रुबीना मैरिज जो में आप सबको वेलकम कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। इससे ये होगा कि हमारे रिश्ते की ज्यादा वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप सब तक पहुँच जाएंगी। तो आज का जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत है, आई होप ये रिश्ता आपको जरूर पसंद आने वाला है और आप इस रिश्ते के लिए जरूर रब्ता करने वाले हैं। आज का जैसे कि रिश्ता है, ये एक तलाक याफ्ता लड़की का है। देखिए 28 साल में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होना था, इन्होंने सोचा नहीं था। 25 साल की थी तो उनके वालिदैन ने देखिए लड़की की अपनी बेटी की यानी कि शादी कर दी थी, और शादी के चंद हफ्ते बाद जो इनके शौहर ने इनको तलाक देना चाहिए, लेकिन तलाक से पहले ही देखिए इनके शौहर के बिहेवियर के हवाले से उनके जो है ताल्लुकात थे दूसरी लड़कियों के साथ जो है औरतों के साथ थे, इनको पता चल गया था और मारपीट करना रोजमर्रा का उसका काम हो गया। तो ये मारपीट से बहुत ज्यादा तंग थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने शौहर से गुला ले लिया और जान छुड़ा ली। कहते इंसान जो है कभी भी किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब जो है ये अपने मायके में आ गई हैं, इनके वालिदैन का 3 मंजिला मकान है, तो ये नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं, इनके वालिदैन ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। इससे जो ऊपर वाला 3 फ्लोर वाला मकान है उन्होंने किराए पे दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं है। इनके वालिदैन चाहते हैं कि ये सारी जिंदगी भी अगर उनके साथ रहे तो ये अपनी बेटी को खिला सकते हैं। कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं जो कि परेशान हो जाते हैं जबकि बेटियां घर आती हैं और सोचते हैं कि अब फिर से इनकी दूसरी शादी कर दें, लेकिन इनके वालिदैन ऐसा नहीं चाहते। लेकिन देखिए इनकी जो बहन है बड़ी वाली, वो यही चाहती है कि कब तक ये यहाँ रहेंगे, उनके बेटे हैं और अब बेटों की शादी करेंगी, भाभियाँ आएंगी, जिसकी वजह से देखिए रहना जो है लड़की का मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनके भाई हैं, उन्होंने कल शादी भी करनी है, उनकी बीवियाँ भी आनी हैं। इनके वालिदैन तो परेशान नहीं होते, लेकिन इनके वालिदैन ने अब सोच समझ कर फैसला किया है कि अब जो है ये एक ऐसा शौहर तलाश करें जो कि सारी उम्र अपन उनकी बेटी को खुश रखे, आबाद रखे, मारपीट ना करे खुदा के लिए। अगर आप मारपीट करने वाले इंसान हैं तो प्लीज आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रब्ता ना करें, क्योंकि इनकी कंडीशन में समझ सकती हूँ इनके साथ है क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा क्योंकि परेशान है। और मारपीट करना अगर एक इंसान एक शौहर करे तो यकीन जाने जिंदगी जो है जहन्नुम हो जाती है, और देखिए मरने के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन इनके जो शौहर हैं वो बहुत ही ऐसे आदमी थे यानी कि जो मार पीट करते थे और बाकी औरतों के साथ भी उनकी चक्कर थी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब जो है वो उनके शौहर किसी काम के नहीं, उन्होंने अपनी बीवी इतनी अच्छी और खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी को उन्होंने खो दिया है, और पछतावे के अलावा अब उसके इंसान के पास कुछ नहीं है जो कि इनसे अब दूसरी फिर से शादी करना चाहता है। जी हाँ, वो इंसान इनसे फिर से शादी करना चाहता है, लेकिन ये जो है इन्होंने शुक्र किया है कि ऐसे घटिया इंसान से जान छूट गई है। अगर आप देखिए इनसे शादी करना चाहते हैं तो जरूर रब्ता कर सकते हैं। इनका नाम हदिया है, उम्र इनकी देखिए 28 साल है, 25 साल की थी तो इनकी शादी हुई है, 27 साल की थी तो इनको तलाक हो गई है। अगर आपको इनका रिश्ता पसंद आता है तो अपना सेल फोन उठाएं, अपनी पूरी डिटेल लिखें और हमें सेंड कर दें। आई होप ये रिश्ता आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें ताकि नए रिश्ते के साथ कल मुलाकात करें। अल्लाह हाफ़िज़।